क्या आपने कभी ऐसा किया है कि जब हम कभी ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर कर रहे हों और उसमें साथ में कोई बहुत अच्छी सी चीज हो खाने के लिए और नॉर्मल ब्रेकफास्ट भी करना हो, तो क्या आपने कभी ऐसा किया है कि जो नॉर्मल ब्रेकफास्ट हो उसे पहले जल्दी जल्दी खत्म कर लिया हो और बाकी का अच्छा अच्छा बाद के लिए बचा कर रख लिया हो, जिससे आप उसे आराम से खा सके। क्या आपको पता है कि इसी हमारी डेली की नॉर्मल सी एक्टिविटी को डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं कि मैंने कैसे इसके बारे में जाना। एक बहुत फेमस ऑथर मिस्टर एम स्कॉट पेक अपनी बुक द रोड लेस ट्रेवल्ड में बताते हैं कि एक 30 साल की फाइनेंशियल एनालिस्ट कई महीनों से अपनी जॉब के वर्क्स में प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट के बारे में उनसे शिकायत कर रही थी। उन्होंने उसके वर्क प्लेस के एटमॉस्फेयर के बारे में जानने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि उसके बॉस के साथ कैसे रिलेशंस हैं, और उसके पेरेंट्स से भी हर पहलू के बारे में बात की और ये जानने के लिए एफर्ट्स किए कि उसका काम और सक्सेस कितनी हद तक उसकी मैरिज के, उसकी सेक्सुअल आइडेंटिटी के साथ जुड़े हैं। क्या वो अपने वर्किंग हस्बैंड के साथ कॉम्पिटिशन करती है? अगर हाँ, तो उसके उस कॉम्पिटिशन से जुड़े फेयर्स क्या है? इतना साइको एनालिसिस और मेहनत करने के बावजूद भी उसकी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत नहीं खत्म हुई। आखिरकार एक दिन उन्होंने बहुत बेसिक सी चीज से स्टार्ट करने का सोचा। ऑथर बताते हैं कि मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें केक पसंद है? तो उसने जवाब दिया कि हाँ, उसे केक बहुत पसंद है। फिर मैंने पूछा कि तुम्हें केक का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद है, केक या फिर फ्रॉस्टिंग? तो उसने बहुत एक्साइटमेंट में कहा, ऑफ कोर्स मुझे फ्रॉस्टिंग पसंद है। मैंने दोबारा पूछा, तुम केक के पीस को किस तरह से खाती हो? तो उसने कहा, जाहिर है मुझे फ्रॉस्टिंग बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं सबसे पहले फ्रॉस्टिंग खत्म करती हूँ। मुझे लग रहा था कि शायद मैं दुनिया का सबसे अजीब साइकियाट्रिस्ट हूँ, लेकिन मुझे उसकी केक खाने की हैबिट से उसके काम करने के तरीके को समझ में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। मुझे तुरंत अंदाजा हो गया था और हुआ भी वैसा ही जैसी उम्मीद थी। हर रोज जब उसे कोई ऑफिस से रिलेटेड काम दिया जाता था तो वो स्टार्टिंग का करीब एक घंटा उस काम में लगा देती थी जो उसे करना बहुत पसंद था। बाकी के 6 से 8 घंटे ऐसे कामों में जाता था जो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। तो मैंने उसे सुझाव दिया कि वो अपने आप को कैसे भी मजबूर करे कि स्टार्टिंग में कुछ घंटे वो ऐसे कामों में लगाए जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और बाकी के समय वो आराम से उन कामों को एंजॉय करते हुए बिताए जो काम उसे बहुत पसंद है। क्योंकि मुझे लगा कि 6 से 7 घंटे के दर्द से तो ठीक ही है 1 से 2 घंटे वाला पेन, थोड़ा सा दर्द शुरुआत में सह लो, बाद में पूरा टाइम एंजॉय करो। उसने मेरी बात मान ली और एक बार ट्राई करने की सोची। तो उसने इस टेक्निक की हेल्प से अपने प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को भी टाटा बाय बाय कर दिया। तो दोस्तों, इसी टेक्निक को हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब कि हम पहले अपने दर्द को इस तरह से शेड्यूल कर लें कि बाद में जब हमें आनंद मिले तो वो 2 गुना हो जाए। ये तो बात हो गई डिलेड ग्रेटिफिकेशन की। अब बात करते हैं सिंसियर प्रेज की, कि किस तरह से हमारा नॉर्मल सा प्रेज जो कि हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन ये सामने वाले को चैंपियन बना सकता है। बहुत फेमस ऑथर डेल कार्नेगी अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में बताते हैं कि प्रेज किसे पसंद नहीं होता। सब चाहते हैं कि अगर उन्होंने कोई भी अच्छा काम किया है तो उसके लिए उन्हें अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। इवन एनिमल्स भी इस प्रेज और अप्रिसिएशन की भाषा को खूब समझते हैं। मिस्टर डेल बताते हैं कि उनका एक फ्रेंड जिसका नाम जॉन था, वो एक डॉग ट्रेनर था और उसने अपनी आधी से ज्यादा लाइफ सर्कस एटसेट्रा में बिता दी थी। एक बार जब जॉन डॉग्स को ट्रेन कर रहे थे तब मिस्टर डेल भी उनके साथ में ही थे। उन्होंने देखा कि जॉन किस तरह से जो डॉग थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट करता है उसे बहुत सारी शाबाशी देते हैं और एक मीट का टुकड़ा भी देते हैं, जिसे वो डॉग और जल्दी जल्दी से चीजों को सीखने लगता है। आपको क्या लगता है कि ये जो हमने अभी देखा, क्या ये कुछ नया है या फिर ये तो एनिमल ट्रेनर्स सदियों से करते आ रहे हैं? लेकिन मुझे ये सोचकर हैरानी होती है कि सेम टेक्निक जो हम एनिमल्स को चेंज करने के लिए उसके साथ यूज कर रहे हैं, वही सेम टेक्निक हम तब क्यों नहीं यूज करते जब हम इंसानों को बदलना चाहते हैं, जब भले ही सामने वाले इंसान में बहुत थोड़ा सा ही बदलाव हुआ हो, तो क्यों ना हम उसकी बुराई करने की जगह उसे प्रेस करना स्टार्ट कर दें, जिससे उसे और ज्यादा इंप्रूव होने में हेल्प मिलेगी। हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे किस्सों से जो हमें चीख चीख कर ये प्रेस की इंपॉर्टेंस को बताते हैं,
कि कैसे एक छोटे से प्रेस की वजह से उन लोगों की लाइफ में उन्हें उम्मीदों की किरण दिखी और उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। फॉर एग्जाम्पल, एक 10 साल का बच्चा था, वो एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा थी कि वो एक सिंगर बने। लेकिन उसके पहले टीचर ने उसे बहुत ज्यादा डिस्करेज कर दिया था कि वो सिंगर नहीं बन सकता, उसकी आवाज में तो वो बात ही नहीं जो एक सिंगर में होनी चाहिए। लेकिन उसकी माँ, जो कि एक गरीब किसान थी, उन्होंने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि वो उसके साथ हैं। उन्होंने अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत की, उसकी म्यूजिक क्लासेस के लिए पैसे इकट्ठा किए और उन्हीं के एनकरेजमेंट और प्रेज की वजह से उस लड़के की लाइफ ही बदल गई। उसका नाम था एनरिको करूसो और वो अपने समय का सबसे महान ओपेरा सिंगर बना। ऐसे ही इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन MS धोनी, जिनका जन्म रांची में हुआ था, आज भले ही करोड़ों दिलों पर राज करते हो, लेकिन उन्हें भी ये मकाम बहुत मुश्किलों के बाद मिला और उनके दोस्तों के सपोर्ट और मेंटर्स के एनकरेजमेंट देने की वजह से ही हासिल हुआ। वो बताते हैं कि जब वो हर तरफ से निराश हो चुके थे और उन्हें लग रहा था कि अब उनकी लाइफ शायद ऐसे ही निकल जाएगी, तब उनके दोस्तों ने उन्हें एनकरेज किया और उनकी ट्रू वर्थ का एहसास दिलाया, जिसके बाद में उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। BF सिनर, जो कि एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका भी मानना है कि हमें दूसरों की बुराई करने की जगह प्रेज करना चाहिए। ऐसा उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव भी किया है कि अगर हम लोगों को उनके अच्छे कामों के लिए प्रेज करने लगेंगे तो लोग ये कोशिश करने लग जाते हैं कि वो सिर्फ अच्छा काम करें, और ऐसा करने से उनकी बुराइयां भी धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। BF सिनर की ये टीचिंग को कैलिफोर्निया के डेविड ने अपने काम में आजमा कर देखा। डेविड की एक प्रिंट शॉप थी जिसमें कुछ मटेरियल प्रिंटिंग के लिए आया करते थे। उनकी शॉप का प्रिंटर, जिसने जल्दी ही उस शॉप को ज्वाइन किया था, उसे बहुत परेशानी हो रही थी अपनी न्यू जॉब में एडजस्ट करने की। इसी वजह से डेविड की शॉप के सुपरवाइजर को उस प्रिंटर का एटीट्यूड सही नहीं लगता था और उसने तय कर लिया था कि वो चांस मिलते ही उसे नौकरी से निकाल देगा। जब डेविड को इस सिचुएशन के बारे में पता चला तो वो खुद अपनी प्रिंट शॉप पर गए और उस प्रिंटर से जाकर मिले और उन्होंने उस प्रिंटर के काम को देखा और उसकी बहुत तारीफ की और ये कहा कि ये अब तक का सबसे अच्छा काम है। साथ ही उन्होंने उसे एहसास दिलाया कि उसका कितना इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी कंपनी के लिए। आपको क्या लगता है कि इससे उस प्रिंटर की वर्किंग एटीट्यूड पर कुछ असर हुआ होगा? बिल्कुल हुआ। उसके बाद वही एम्प्लॉई, जिसे पहले इस माहौल में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, वही अब डेविड का सबसे फेथफुल और ऑनेस्ट एम्प्लॉई बन गया था, क्योंकि डेविड ने उसे प्रेज ऐसे किया जैसे सब कुछ सिर्फ उसी के लिए है और सारी तारीफें उसके दिल से निकल रही हैं। हम सभी चाहते हैं कि हम सभी को अप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन मिले, लेकिन वो अप्रिसिएशन सामने वाला दिल से कर रहा हो, न कि सिर्फ हमें दिखाने के लिए। शायद तभी ये टेक्निक काम करती है। तो इस सब से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचने की कोशिश करनी चाहिए और